हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग इसलिए कि आज कोई पूरा दिन था नहीं कुछ करने को, तो इसलिए शाम को मैंने व्लॉग स्टार्ट करा। और अगर आपको याद हो, जब मैं पत्नीटॉप आ रहा था, आपको मैंने रास्ते में एक बड़ी यूनिक चीज़ दिखाई थी, एरोप्लेन रेस्टोरेंट। तो अभी मैं उसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, एरोप्लेन रेस्टोरेंट में, विद फैमिली, अपनी वाइफ और बेटी के साथ। तो ठीक है, बैठते हैं गाड़ी में, तो करते हैं स्टार्ट और सीधा आपको ले चलते हैं एरोप्लेन रेस्टोरेंट में। देखते हैं कैसा उसका एम्बियंस है, क्या है वहाँ पे, कैसा वहाँ का व्यू है। बस काफ़ी लेट हो चुका हूँ, वैसे थोड़ा बिजी था, 7:45 हो गए हैं। क्या पता वहाँ पे सनसेट एंजॉय हो या ना हो, सनसेट तो वैसे हो ही रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपको रास्ते में सीधा। जब मैं यहाँ पे आया था पत्नीटॉप में, जब कुछ सामान लेने बाहर, तो उसके बाद आपको मैंने ये व्यू दिखाया था इस साइड का। तो ये गोल्डन आवर चल रहा है, अभी सनसेट होने वाला है। सो अपनी किस्मत ख़राब है, एंजॉय नहीं कर पाएंगे सनसेट वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में। बट फिर भी यहाँ पे ड्राइव करना हो या वॉक करना हो, अपना अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे, काफ़ी शांत माहौल है। जब ये नेशनल हाईवे 44 जब ये वर्किंग में था, मतलब कि जब सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती थी, तो समझ लो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक जाम ही रहता था। अब सिर्फ यहाँ से जो है टैंकर ही जाते हैं, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है वहाँ से टनल से, जो हमारा चिनानी नाशरी टनल है, तो वो सारे टनल या सिर्फ टैंकर यहीं से जाते हैं। बाकी लाइट मोटर व्हीकल जो है, जिन्होंने सिर्फ यहाँ पे आना हो पत्नीटॉप में, वही आती हैं, अदरवाइज वो भी बाहर से टनल से निकल जाती हैं। तो ये है यहाँ का कुद बाज़ार, जहाँ की मिठाई बहुत ही मशहूर है, जो मैंने आपको बताई थी, चॉकलेट बर्फ़ी और पतीसा और एक और कलाकंद भी। तो ये सामने दो शॉप्स हैं, प्रेम स्वीट्स और एक प्रेम दी हट्टी। अब आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से किस शॉप से लेना चाहते हो। मैं मैक्सिमम बड़ी शॉप से लेता हूँ। तो अभी वापसी जब घर जाएंगे तो एक डब्बा ले जाएंगे अपने घर के लिए, हमेशा जब भी आता हूँ तो लेके जाता हूँ। तो यहाँ से अभी रह गया तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर रह गया, वही एरोप्लेन रेस्टोरेंट। फाइनली हम लोग पहुँच गए वहाँ पर, बट यहाँ पर तो इन्होंने दीवार लगा रखी है, बट इसकी टेल दिखाई दे रही है ऊपर से, ये रहा यहाँ से। तो इसकी जो एंट्री एक यहाँ से भी है गाड़ी की, तो आगे से भी है। मैं मिस कर गया वीडियो बनाने के चक्कर में, तो गाड़ी इसको मैं आगे से ले जाता हूँ अपनी। तो ये रही इसकी दूसरी एंट्रेंस, यहाँ से थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, आगे से कोई गाड़ी ना आए। हाइट भी इसको अच्छी दे रखी है। ये रहा कुछ यहाँ का सराउंडिंग व्यूज। ठीक है, गाड़ी लगाते हैं, पार्क करते हैं यहाँ पे, उसके बाद सीधा आपको अंदर जाके मिलते हैं। क्या यहाँ गाड़ी पार्क करके आपको ये रही यहाँ की 360 डिग्री व्यू पूरा। तो यहाँ का नाम रखा है इन्होंने ग्रीन क्राफ्ट आइलैंड एयरप्लेन रेस्टोरेंट। ये पड़ता है कुद में, पत्नीटॉप के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रहा कुछ ऐसा। कहाँ आगे एरोप्लेन में जाना है आपने। ठीक है, कैसा रहता है यहाँ पे दिखाते जाते हैं आपको। हेलो भैया, क्या सिस्टम है यहाँ पे। 100 पर पर्सन। अच्छा। हाँ, ये बोर्डिंग पास, जो भी आप खाओगे वो पैसा उसमें लेस हो जाता है। उसके अलावा और कुछ। उसके अलावा सर, तो बैठने के लिए एरोप्लेन के अंदर ही या और भी है कुछ। हाँ, एरोप्लेन के अंदर ही सर, और उस साइड मतलब हमारा ये रूफटॉप में भी बैठने की जगह है। ठीक। और ये हमारा उस साइड ये गार्डन है, उसमें भी बैठने की जगह। ओपनिंग ओपनिंग में। ठीक है, और ये उस साइड। ठीक है, मैं आपको फिलहाल बोर्डिंग पास लेते हैं यहाँ से। तो बोर्डिंग पास जैसे हम दो आए हैं, तो हाँ। दोनों दो बॉडी बोर्डिंग पास लेने पड़ेंगे। तो फिर जब खाना खाएंगे उसमें लेस हो जाएगा। हाँ, जो भी आप खाओगे वो उसमें लेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको अंदर का एम्बियंस कैसा है वो दिखाता हूँ अभी साथ में। फिलहाल कुछ ऐसा है बोर्डिंग पास, अपना नाम वगैरह लिखाया, 2 पर्सन यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में आपको ये बच्चों के लिए ये झूले वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। क्या, अच्छा ये भी पेड है। फिलहाल ये भी पेड़ है, अभी तो हम जा रहे हैं पहले रेस्टोरेंट में ही, पहले अंदर चले, ऊपर चला जाओ, आ जाओ आ जाओ, अब पापा उठाएं,
पकड़ इसको, आ जाओ। जाते हैं पहले एरोप्लेन में जाएंगे, क्या करेंगे एरोप्लेन में? पंगे करने हैं, एरोप्लेन का सब पंगे करेंगे तो एरोप्लेन उड़ जाएगा। तो ये रही एंट्रेंस, ये रही एंट्रेंस। कहाँ जाएंगे क्या? तो कुछ ऐसा रहता है पूरा माहौल एरोप्लेन जैसा ही है। कहाँ आ गया, कहाँ है? अच्छा क्या करना है, बोर्डिंग पास किसको दिखाना है? फूड के बाद ही। बट ऐसा रहता है ना एरोप्लेन में जब आओ बोर्डिंग पास दिखाते हैं ये सीट नंबर है कुछ ऐसा। ठीक, काफ़ी फ्रेंडली है। तो ये रही सीटिंग, सिंगल को डबल देखते हैं व्यू। इधर आ जाए, ठीक इधर ही आ जाए। लगता है मोबाइल से वीडियो बनानी पड़ेगी, इसमें ब्लिंक कर रही है लाइट, पकड़ो। जब तक खाना ऑर्डर करते हैं कुछ भी स्नैक्स वगैरह, उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको टूर दे दूं यहाँ का। तो ये रहा कुछ ऐसा, साथ में कनेक्टेड है ये इनका रूफ टॉप। अगर आपने एरोप्लेन में नहीं बैठना है तो अगर आप यहाँ पे रूफ टॉप में आना पसंद करें, बैठना चाहेंगे, पूरा ओपन व्यू है। साथ में सामने वो एक आपको रोड दिखाई दे रहा होगा, ये वही कनेक्टेड रोड है जो मैंने आपको ऊपर पत्नीटॉप से दिखाया था, और इसी के नीचे एक चेन्नई सिटी है। तो आप यहाँ पर बैठ के ये व्यू इन्जॉय कर सकते हो ओपन पूरा। यह है कि मैं लेट हो गया, नहीं तो आपको सनसेट मतलब जो गोल्डन आवर था वो भी दिखाता, बट किसी रीज़न की वजह से मैं लेट हो चुका हूँ। तो ये रहा वो, बट एक और चीज़ है यहाँ पे साथ में, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्विमिंग पूल। तो गर्मियों के टाइम में अगर आप आते हो स्विमिंग पूल का भी इंजॉय कर सकते हो। साइड में मुझे शायद बार नज़र आ रही है, शायद बार है वहाँ पे। तो कुछ ऐसा व्यू है, ये मैंने एरोप्लेन उस टाइम पे देखा था जब ये बाय रोड आ रहा था ट्रॉले के ऊपर। तो काफ़ी समय लगा इसको यहाँ पे पहुँचने में, उसके बाद ये इंस्टॉल हुआ, इंस्टॉल होने के बाद भी इसको काफ़ी टाइम लगा ओपन होने में। तो ठीक है, ये बैक एंट्री थी यहाँ से। वाटर था ये फार्म हाउस पिज़्ज़ा, और ये वेज मोमोज पनीर मोमोज। ठीक है, सर्व करते हैं, खाते हैं, फिर उसके बाद क्या रहता है वापस जाते हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। बिल आ गया, ये कुछ बन रहा है 640 सब कुछ डाल के, और जो 200 हमने इंचे दिए थे पास बनाने के वो 3 लाख हो गए। तो अभी ये हमें पे करना पड़ेगा 440 ओनली। ठीक है, वहाँ पे टेबल पे जाते हैं, पे करके आते हैं इनको। सो बिलिंग अपनी हो गई है, तो जाते जाते आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको सेल्फी लेनी है कॉकपिट की तो ये भी पेड है 100 रुपीज़। तो फिलहाल मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है सेल्फी लेने का। ठीक है, आज का व्लॉग यहाँ तक रखते हैं। ये था मेरा सिर्फ आज के दिन छोटा सा व्लॉग बनने का कि ये एरोप्लेन रेस्टोरेंट यहाँ पर खुला हुआ है तो आपको दिखाता, तो इतना ही रहता है। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बट मैंने पिछले 2 दिन बॉक्स में आपको कभी बोला नहीं कि सब्सक्राइब करो या कुछ, बगैर आपकी मर्जी है, करना होगा कर लेना, नहीं करना होगा ऐसे वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।